फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बना रही हूँ मैं, कुछ ख़ास नहीं, लेकिन बस मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने अपने फ्रेंड्स को किया है टी पार्टी के लिए इनवाइट। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी थोड़े बहुत क्लिप्स शेयर करूँ। तो अब टी पार्टी के लिए बुलाया है, तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए टी पार्टी के लिए, बाहर से समोसे मंगाऊँ कि घर में कुछ बनाऊँ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, बाहर से समोसे तो कोई भी खा ही लेता है। मैंने सोचा आज चलो मैं अपने हाथों से कुछ स्नैक्स वगैरह बना के अपने फ्रेंड्स लोग को खिलाती हूँ। एक्चुअली लास्ट टाइम भी मैंने उन लोगों को इनवाइट किया था लंच पे, लेकिन लास्ट टाइम मैं इतना बिजी थी क्योंकि पूरा लंच प्रिपेयर करना था और मेरे सारे फ्रेंड्स आने वाले थे, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिला था। बट लास्ट टाइम का मेरा बहुत अच्छा हमने मतलब गेट टुगेदर किया था और वो वीडियो बनाना चाहिए था, बट एनीवे कोई बात नहीं। लेकिन मैंने सोचा चलो आज तो टी पार्टी है, थोड़ा बहुत स्नैक्स ही बनाना है, तो क्यों ना मैं अपने सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स के साथ भी शेयर कर लूँ ये क्लिप। तो उसके लिए मैंने अपने फ्रेंड्स लोग के लिए पहले तो ये पोटैटो बाइट्स मैंने रेडी कर लिए, उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। फिर मैंने ड्रिंक अभी बुलाया है टी के लिए, लेकिन आते के साथ तो टी नहीं दूंगी ना, इसीलिए वेलकम ड्रिंक में बना दिया मैंने रूह अफ़ज़ा। और फिर मैं सोचे चलो दाल के पकौड़े बनाती हूँ, तो बहुत ही सिंपल सा और टेस्टी सा मैं इवनिंग का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। दाल पकौड़े के लिए मैंने ले लिया है दाल, चने की दाल, उसके अंदर 5 से 6 चिल्ली डाल दिया है, नमक डाल दिया है और ज़ीरा, ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में ज़ीरा डाल दिया। तो चलिए अभी ये जैसे सब रेडी करती हूँ तो फिर आप लोगों के साथ वो भी क्लिप शेयर करती हूँ। और सोचा ब्रेड पकौड़े वगैरह बना दूँ, यानी थोड़े बहुत स्नैक जो भी है वो घर में ही और अच्छा बना के टेस्टी बना के अपने फ्रेंड्स लोग को खिलाओ। तो मेरे फ्रेंड्स लोग आपको बताएंगे कि कैसा बना मैंने जो स्नैक्स रेडी किया है, और जब वो लोग आते हैं तब उन लोगों से भी आपको मिलाओगी। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, किसी ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए मेरी एक फ्रेंड आ रही है, तो अभी हम दरवाजे पे खड़े रहते हैं उसको वेलकम करने के लिए। कौन है? देखो ऑनलाइन क्लास चल रही है, रास्ते में ही चल रही। रेडी कर दिया, देखो ब्रेड पकोड़े के लिए ब्रेड रेडी है, ब्रेड का पूरा बैटर बना दिया है। अभी दाल ये फ्राई करूँगी, थोड़ा तो स्नैक्स मैंने रेडी करके दे भी दिया बच्चों को, अभी ये पूरा फ्राई करके आप लोगों को बताती हूँ। तो फाइनली होममेड स्नैक्स रेडी हो गया, ब्रेड पकोड़ा और पोटैटो बाइट्स और दाल की पकोड़ी। तो अभी और ये ब्रू अफ़ज़ा जैसा बताया था ना वेलकम ड्रिंक, तो अभी ये जब सब मेरे फ्रेंड लोग टेस्ट करेंगे उसके बाद बताएंगे कि कैसा टेस्ट लगा। ये देखो ये है चिल्लर, ये सब फ्रेंड्स है। ये एक अंदर है, ये देखो एक मेरे साथ कुकिंग में हेल्प कर रही है। फ्रेंड्स का मतलब यही तो होता है कि हेल्प करना, ये नहीं कि जाके बैठ जाए, वैसा नहीं है। तो मेरे सारे फ्रेंड्स हेल्प करते, जब मैं बीमार थी ना इनफैक्ट, तो इन लोगों ने आके मेरे लिए खाना तक बनाया था। तो इसीलिए तो बोलते हैं ना अपनों से ज़्यादा फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट होते हैं। हाँ, तो पूजा जी आप क्या कहोगे नाश्ते के बारे में? रुक जा। ए बच्चे लोग नाश्ते के बारे में क्या बोलोगे? बहुत अच्छा था ना। तो आपको क्या मस्त लगा? हाँ, और आपको? हाँ, नेक्स्ट टाइम यानी इसकी रेसिपी अच्छा था। हाँ, सबसे बेस्ट। तो देखो मेरे फ्रेंड लोग ने भी रिव्यू दे दिए कि सबसे अच्छा पोटैटो बाइट लगा, इसके लिए नेक्स्ट टाइम रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी जल्दी करो सब्सक्राइब जल्दी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।